dear students a very warm welcome to all of you in my today's lecture of operations research in today's lecture we will discuss upon a further example on minimization LP problem example is as follows minimize jet is equal to 600 x 1 plus 400 x2 subject to constraints are given first one is 3 x 1 plus 3 x 2 more than equal to 40. सेकेंड वन थ्री एक्स वन प्लस एक्स टू मोर दैन इक्वल टू फोर्टी थर्ड वन टू एक्स वन प्लस फाइव एक्स टू मोर देन इक्वल टू फोर्टी फोर एंड एक्स वन कॉमो एक्स टू ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो तो इस दी हुई मिनिमाइजेशन एल पी प्रॉब्लम के रेफरेंस में आपको ऑप्टीमल सोल्यूशन को ग्राफिकल मैथड के हेल्प से फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले तो हम स्टेप फॉलो करेंगे क्या इन इक्वलिटी कंस्टेंट्स को इक्वल्टी में कन्वर्ट करेंगे ठीक है और कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करेंगे तो हमारा स्टेप वन रहेगा Convert inequality constraints into equality and find the कोऑर्डिनेट्स ठीक है तो कोऑर्डिनेट्स को हमें फाइंड आउट करना है तो इसके लिए हम बात करते हैं फर्स्ट कंस्टेंट की तो फर्स्ट कंस्टेंट आपको दे रखा है थ्री एक्स वन प्लस थ्री एक्स टू इजिकल टू के ठीक है तो दोनों कंस्टेंट निकालने हैं पहला होगा कॉमा जीरो और दूसरा होगा जीरो कॉमा तो कॉमा जीरो का मतलब हो गया यहाँ पर आपको एक्स टू को जीरो रखना है थ्री एक्स वन फोर्टी एक्स वन इजगल टू फोर्टी अपॉन थ्री तो एक्स वन हो जाएगा फोर्टी अपॉन थ्री कॉन्वर्ट हो गया फोर्टी अपॉन थ्री कॉमा जीरो अब मुझे रखना है एक्स वन को जीरो थ्री एक्स टू इजल टू फोर्टी एक्स टू टू फोर्टी अपॉन थ्री तो जाएगा जीरो कॉम फोर्टी अपॉन थ्री नाउ वी कम टू द सेकेंड कंस्ट्रेंट सेकेंड कंस्ट्रेंट इज थ्री एक्स वन प्लस एक्स टू और इक्वल में कन्वर्ट करेंगे तो येगाक्वल टू फोर्टी अब मुझे इसके कॉन्डेट्स फाइंड आउट करने हैं कॉमा जीरो जीरो कॉमा, तो कॉमा जीरो मतलब एक्स टू जीरो हो गया थ्री एक्स वन फोर्टी एक्स वन फोर्टी अपॉन थ्री तो एक्स वन को लिख दिया मैंने फोर्टी अपॉन थ्री। अब यहाँ आपको एक्स वन जीरो रखना है तो एक्स टू इक्वल टू फोर्टी हो गया तो कॉन्डेट होगा तो हो जीरो कॉम फोर्टी दैट इज क्लियर नाउ कम टू द थर्ड वन थर्ड वन इज द टू एक्स वन प्लस फाइव एक्स टू इज इक्वल टू फोर्टी फोर और फोर्टी फोर में पहले रखें आपको एक्स टू जीरो रखना है एक्स टू जीरो रख दिया आपने टू एक्स वन फोर्टी फोर एक्स वन ट्वेंटी टू दूसरे केस में एक्स वन जीरो रख दिया तो फाइव एक्स टू फोर्टी फोर एक्स टू जी टू फोर्टी फोर अपॉन फाइव तो कॉर्डिनेट हो गया जीरो कम फोर्टी फोर अपॉन फाइव इस तरीके से आपके पास ये कॉर्डिनेट्स आ चुके हैं अब मुझे क्या करना है मुझे अब इन एक इन, इन कंस्टेंट्स को ग्राफ पर ड्रॉ करना है तो यहां मैं लिख देता हूं प्लॉट दीज कंस्टेंट्स ऑन ग्राफ पेपर एंड फाइंड द फिजिवल रीजन एज वेल एज एक्सट्रीम पॉइंट्स तो हमें फिजिकल रिजन फाइंड आउट करना है पहले तो और फिर फिजिकल रिजन से मुझे एक्सट्रीम पॉइंट्स को फाइंड आउट करना है ठीक है तो यहाँ मैं पहले तो डाइग्राम को ड्रॉ करूँगा यहाँ आपके पास मैक्सिमम वैल्यू है फोर्टी ओके okay, तो फोर्टी का करेस्पॉन्डिंग मैं फोर का स्केल ले लेता हूँ तो दस सेंटीमीटर में मेरा कंप्लीट एरिया कवर हो जाएगा तो इसको मैं फोर के स्केल पे इंक्लूड करूँगा ठीक है और टेन सेंटीमीटर में जो कंप्लीट वैल्यू मेरी कवर हो जाएगी यहाँ तक ठीक है पाँच सात आठ नौ दस ग्यारह और ऐसे मैं इसको एक्स वन पर इंक्लूड कर ले रहा हूँ एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह इसे मैं कंप्लीट पिक्चर में लेकर आता हूँ आपके लिए यहाँ मैंने इसको यहाँ पर भी ड्रॉ कर रखा है तो ये तो हो गई आपके पास एक्स वन और जो ऊपर वाली है ये हो जाएगी एक्स टू ठीक है स्केला के पास दे रखा है इसे मैंने चार मान ली चार आठ बारह सोलह जी बीस चौबीस अट्ठाईस बत्तीस छत्तीस चालीस चौवालीस ऐसे यहाँ लेके चलेंगे आप चार आठ बारह सोलह बीस चौबीस अट्ठाईस बत्तीस छत्तीस चालीस ठीक है अब हमारा यहाँ पर स्केल कंप्लीट हो गया अब हम इसके जो कॉन्स्टेंट्स हैं इसको ड्रॉ कर लेते हैं प्लॉट कर लेते हैं इस ग्राफ पर तो प्लॉट करने के लिए पहले मुझे काउंट करना पड़ेगा पहले कंस्टेंट के कोऑर्डिनेट्स और फर्स्ट कंस्टेंट के कोऑर्डिनेट्स हैं फोर्टी एट थ्री कॉमन जीरो फोर्टी थ्री का मतलब हो गया थर्टीन पॉइंट थ्री थ्री थर्टीन पॉइंट थ्री थ्री का मतलब हो गया आपका इसको काउंट कर लेते हैं हमें ना ये आपका पॉइंट आएगा थर्टीन पॉइंट थ्री थ्री ट्वेल्व और सिक्सटीन के बीच में ठीक है अब क्योंकि मैंने दो का एक स्केल लिया है ठीक है तो पॉइंट टू को एक डिटरमाइन करेगा कितना रह गया थ्री पॉइंट थ्री 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 रह गया ठीक है क्योंकि बारह और चार सोलह चार का डिफरेंस आ गया तो पॉइंट फोर क्योंकि दस सेंटीमीटर दस खाने होते हैं इसके अंदर तो एक पॉइंट फोर को सो करेगा अब मुझे करना है बारह था कितना थ्री पॉइंट थ्री थ्री तो चार अट्ठे बत्तीस यानी कि 12 और सिक्सटीन के बीच में आ जाएगा आपका फोर्टीन ठीक है ये तो हो गया फोर्टीन पॉइंट फाइव अच्छा थर्टीन पॉइंट थ्री थ्री इट विल बी एट दिस प्लेस ये आएगा थर्टीन पॉइंट थ्री थ्री तो ये जो पॉइंट है आपका ये ये रिप्रेजेंट करेगा फोर्टी अपॉन थ्री कॉमस जीरो को ऐसे जीरो काम फोर्टी अपॉन थ्री लेके चलेंगे तो जीरो काम फोर्टी अपॉन थ्री का मतलब ट्वेल्व और सिक्सटीन के बीच में तो हो गया आपका फोर्टीन ठीक है और थोड़ा सा साइड से इसको ड्रॉ कर देंगे हम दिस वन तो ये पॉइंट जो शो करेगा वाला पॉइंट यह आएगा जीरो कमो फोर्टी थ्री मुझे करना क्या है इन दोनों पॉइंट को मैच करते हुए एक प्रॉपर लाइन ड्रॉ कर देनी है ठीक है जो फर्स्ट कंस्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी ये पहली लाइन आ गई इट इज रिप्रेजेंटिंग फर्स्ट कंस्टेंट सेकेंड है आपके पास फोर्ट अपॉइंट थ्री कमा जीरो पॉइंट मैंने यहाँ पर ऑलरेडी डिटरमाइन कर रखा है और दूसरा कोऑर्डिनेट है सेकेंड कंस्टेंट के रेफरेंस में जीरो कमा फोर्टी जीरो कमा फोर्टी इज दिस पॉइंट इन दोनों पॉइंट को मैंने मैच करके एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ दिस द लाइन यू आर गेटिंग हियर जाएगा के पास सेकेंड इक्वेशन या सेकेंड कंस्टेंट की लाइन आ गई आपके पास थर्ड क्वेश्चन क्या है ट्वेंटी टू कॉमा जीरो ट्वेंटी टू कॉमा जीरो ट्वेंटी और ट्वेंटी फोर के बिल्कुल बीच में होगा ट्वेंटी और ट्वेंटी फोर के बिल्कुल बीच में यानी कि पॉइंट फाइव ये आपका पॉइंट हो गया ट्वेंटी टू कॉमा जीरो दैट इज क्लियर और नेक्स्ट पॉइंट जीरो कॉमा फोर्टी फोर अपॉइंट फोर फोर्टी फोर फाइव फोर्टी फोर फाइव का मतलब हो गया पाँच अट्ठे चालीस और पाँच अट्ठे चालीस एट पॉइंट एट और एट पॉइंट एट का मतलब हो गया एट और ट्वेल्व के बिल्कुल बीच में जाएगा तो ये हो जाएगा टेन ठीक है और ये आएगा नाइन इससे थोड़ा सा फर्क पीछे आएगा ये शो करेगा पॉइंट एट पॉइंट एट को एट पॉइंट एट यानी कि ये पॉइंट हो गया आपका जीरो कमा फोर्टी फोर अपॉन फाइव क्या कर देना है इन दोनों पॉइंट को मैच करते हुए हम थर्ड कंस्ट्रेंट के रेफरेंस में एक लाइन को ड्रॉ करेंगे आ गया आपके पास गई थर्ड लाइन थर्ड लाइन आ गई यहां तक तो, तो क्लियर हो गया कोई दिक्कत नहीं तक अब हम देख लेते हैं कि फिजिबल रीजन फाइंड आउट करना है इसके लिए हम देख लेते हैं कि जो कंस्ट्रेंट हैं उनमें साइन क्या है तीनों में ग्रेटर देन इक्वल टू के साइन है फर्स्ट में भी सेकंड में भी थर्ड में भी तो यहाँ देख लेते हैं फर्स्ट लाइन का रेफरेंस ये है फर्स्ट लाइन ठीक है यानी कि इससे बाहर का एरिया ठीक है यह है सेकंड लाइन यानी कि इससे बाहर का एरिया और यह है थर्ड लाइन इससे बाहर का एरिया मतलब जो बिल्कुल आउटर मोस्ट एरिया है उसको हम किस में काउंट करेंगे फिज रीजन में तो मैं इसको फिजिव रीजन को सेडेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पर ये देखिए इस तरह से आपको ये फ़िज़िबल रीजन मिल गया तो दिस इज द फिजिकल रीजन विच यू आर गेटिंग तो हम इसे बोलेंगे रीजन दैट इज क्लियर अब जो फ़िज़िबल रीजन आपके पास आ चुका है अब आपको फाइंड आउट करने हैं एक्सट्रीम पॉइंट्स एक्सट्रीम पॉइंट्स कौन कौन से होंगे एक तो ये पॉइंट हो गया इसको नाम दे दिया मैंने ए का ठीक है एक पॉइंट ये आएगा आपके पास इसको नाम दे दिया मैंने बी का और एक पॉइंट आ गया सी पॉइंट ए सी ए कॉन्डेट्स आपके पास फोर्टी कॉमो ज़ीरो सॉरी ज़ीरो कॉमो फोर्टी जीरो कॉमो फोर्टी दिस इज क्योंकि ये एक्स टू एक्सिस पर है ना तो इसी वजह से इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे जीरो कॉमो फोर्टी ठीक है ये इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ अगेन लिख देता हूँ ये हो गया जीरो कमो फोर्टी जैसे कन्फ्यूजन ना रहे जीरो कमो फोर्टी हो गए एक कोऑर्डिनेट आ गया आपको ऑटोमेटिकली ट्वेंटी टू कोमा जीरो देखो नीचे ये ट्वेंटी टू कोमा जीरो है ही अब मुझे बी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं तो देखो बी एक्स वन पर तो बारह का करस्पॉन्डिंग है और एक्स टू पर यह फोर के करस्पॉन्डिंग है ठीक है तो इसके कोऑर्डिनेट्स चाहेंगे ट्वेल्व कमो फोर बहुत इजीली हमें ये कोऑर्डिनेट्स मिल गए तो तीनों कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास तो यहाँ मैं लिख देता हूँ एक्सट्रीम पॉइंट्स कौन कौन से आए मेरे पास एक्सट्रीम पॉइंट्स मेरे पास अवेलेबल हैं एक तो ए जिसके कोऑर्डिनेट से क्या ट्वेंटी टू कॉमा ज़ीरो दूसरे कोऑर्डिनेट दूसरा एक्सट्रीम पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट हैं ट्वेल्व कॉमा फोर और तीसरा जो एक्सट्रीम पॉइंट है सी इसके कोऑर्डिनेट हैं जीरो कॉमा फोर्टी तो इस तरह से मेरे पास ये तीनों एक्सट्रीम पॉइंट आ चुके हैं ये तीनों ही प्रॉपर फिजिबल सोल्यूशन को डिफाइन कर रहे हैं लेकिन मुझे इनमें से ऑप्टिमम सोल्यूशन को फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको इसके लिए मैंने यहाँ एक टेबल को ड्रॉ कर रखा है ठीक है जैसा कि हमने अभी तक करा हुआ है एक तरफ एक्सट्रीम पॉइंट्स दूसरी तरफ कोऑर्डिनेट्स एक्स वन गोमा एक्स टू और थर्ड कॉलम में ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू और ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है हमारे पास जेड इजल टू फोर हंड्रेड सिक्स हंड्रेड एक्स वन प्लस फोर हंड्रेड एक्स टू ठीक है अब यहाँ में एक्सट्रीम पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं ए बी सी ए के कॉर्डिनेट्स हमें मिले हैं ट्वेंटी टू गोमा जीरो बी के क्वांटिटर में मिले हैं ट्वेल्व कम फोर और सी के क्वानिटर में मिले हैं जीरो कम फोर्टी अब इन तीनों एक्सट्रीम पॉइंट्स के रेफरेंस में हम जेड की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे ठीक है तो पहले हम बात करते हैं एक्सट्रीम पॉइंट ए की जेड इजल टू सिक्स हंड्रेड इंटू ट्वेंटी टू और प्लस फोर हंड्रेड इंटू जीरो सिक्स हंड्रेड इंटू ट्वेंटी टू बारह और एक तेरह ठीक है और दो ज़ीरो और प्लस ज़ीरो कितना का थर्टीन थाउजेंड टू हंड्रेड ये इसकी वैल्यू आ गई अब बात करते हैं एक्सटीन पॉइंट बी के रेफरेंस में कितनी है वैल्यू सिक्स हंड्रेड इंटू ट्वेल्व क्योंकि तो एक्स वन ट्वेल्व है और प्लस फोर हंड्रेड इंटू एक्स टू की वैल्यू है फोर सिक्स हंड्रेड इंटू ट्वेल्व जाएगा बार छिंग बहत्तर सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड प्लस फोर फोर सिक्सटीन हंड्रेड इसे आप ऐड कर देंगे एट थाउजेंड एट हंड्रेड ठीक है अब एक्सट्रीम पॉइंट सी के रेफरेंस में जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं तो इज इक्वल टू सिक्स हंड्रेड इंटू एक्स वन जीरो प्लस फोर हंड्रेड इंटू एक्स टू इजिकल टू फोर्टी येगा जीरो प्लस फोर फोर सिक्सटीन सिक्सटीन थाउजेंड तो ये टोटल वैल्यू आएगी निकल के जीरो प्लस सिक्सटीन थाउजेंड यानी कि सिक्सटीन थाउजेंड ये तीनों वैल्यूज आपके पास कैलकुलेट हो चुकी है अब मुझे क्या करना है इसमें से मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना है और मिनिमम वैल्यू कितनी है दैट ऑप्टिमम सोल्यूशन विल बी करेस्पॉन्डिंग टू पॉइंट बी तो एक्सट्रीम पॉइंट बी ऑप्टिमम सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा यहां लिखेंगे हम एज मिनिमम वैल्यू

सोल्यूशन विल वी क्या हुआ टू मेर सॉल्यूशन एक्स वन इज इक्वल टू ट्वेल्व एक्स टू इज इक्वल टू फोर और मिनिमम जेड इज इक्वल टू एट थाउजेंड एट हंड्रेड दिस विल बी द आंसर Uh, this will be the optimal solution of the given minimization LP problem. Okay, thank you.